चलो क्या देख लिया था अपन लोगों ने? अपन ने देखा था एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रूल होता है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में है ना, ये देखा था कैसे एक दूसरे को सेव करते हैं, ये है एटीट्यूड और ये है बिहेवियर है ना। तो ये देखो एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे आपकी मन में विचार होंगे है ना, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस होगा, उसके प्रति क्या नॉलेज होगा, उसके हिसाब से अगर आप आपका बिहेवियर शो करेगा। देखो अगर आप वुमेन की राइट की रेस्पेक्ट करते हो, उनके बारे में अच्छा नॉलेज है कि भाई अगर वुमेन को फ्रीडम मिलेगी तो ये होगा ये होगा ये होगा, इसका अगर आपको नॉलेज है तो कौन सा पार्ट हो गया, वो कॉग्निशन पार्ट हो गया। अफेक्ट मतलब उसके प्रति फिर आपका इमोशंस क्या है कि भाई कोई लड़की अगर जॉब करने जा रही है तो अच्छे मानते हो आप बुरा मानते हो, तो उसी हिसाब से फिर आपका बिहेवियर होगा। ये मैंने आपको बताया था ठीक है, कि भाई फिर आप क्या करोगे, उनके प्रति एग्रेसिव रहोगे कि लिबरल एटीट्यूड रहेगा आपका, ये सब डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड सिस्टम पे है ना, आपका जो बिलीफ सिस्टम है क्या बोल रहे। वहीं पे मैंने आपको क्या बताया, बिहेवियर कैसे शेप करता है एटीट्यूड को, मैंने बताया जैसे कि देखो क्या बताया था मैंने आपको कि भाई अगर आप किसी चीज को बार 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 करते हो तो उसके बाद भले ही आपका एटीट्यूड पहले कुछ और रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल दिए थे, एक दो एग्जाम्पल और से देख लो जल्दी फटाक से तो और क्लियर हो जाए। जैसे कि देखो कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई लड़का जिम जाता है ना, जिम जाता है, पहले उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन अब उसको क्या है कि उसको जरूरत है जिम की, तो वो बार 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 जिम जाएगा, मतलब बार बार प्रैक्टिस कर रहा है ना जो भी जिम में जाकर के वो करेगा, तो मतलब उसका बिहेवियर हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि बार 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 वो जिम जाते हैं, जाने के कारण क्या होगा, उसका जो ये जिम का एटीट्यूड था नेगेटिव एटीट्यूड था, अब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा बिहेवियर से हमारा एटीट्यूड शेप हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई जैसे कि एक मान लो कि भाई एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है ना, ठीक, लड़का लड़की है, दोनों की अरेंज मैरिज है ना, अरेंज मैरिज है, ठीक है, इसका इसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, इसका भी इसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, बट हो गया ठीक है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, यहाँ भी नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड मान लो कहीं और है, ठीक है, यहाँ भी कहीं और है, लेकिन एक समय बाद क्या होगा, जब ये साथ में रहते रहेंगे रहेंगे रहेंगे, एक समय हो गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल, तो धीरे धीरे क्या होगा, इनके में बिहेवियर में चेंज आने लगेगी। पहले ये क्या था, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था एक दूसरे के प्रति, अब क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आने लगेगा। समझ गया? तो मतलब कि आप बिहेवियर से बार बार भी निरंतर अभ्यास जब हम किसी चीज का करते हैं, बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड शेप होता है बिहेवियर से। तो मतलब ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, बात सही है, ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, बात सही है, और दोनों ही ट्रू पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर दे, ये हर केस में संभव नहीं है ना, ट्रू पर्सनैलिटी में, क्योंकि इसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने एटीट्यूड और बिहेवियर में रिलेशन देखा। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं थोड़ा सा एटीट्यूड एंड वैल्यूज में क्या रिलेशन होता है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ठीक, देखो पहली बात एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड जनरल होगा कि स्पेसिफिक हो है ना, कि किसी चीज से रिलेटेड होता है, तो एटीट्यूड जो होता है ना वो होता है स्पेसिफिक होता है ना, एटीट्यूड किसी चीज के प्रति होता है। वैल्यूज क्या होती है, वहीं पे वैल्यूज तो एक जनरल टर्म होता है ना, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया ही, ठीक है ना, स्टार्टिंग से यही देखते आ रहे हैं। ठीक, अब एक बात बताओ कि भाई यहाँ पर एटीट्यूड स्पेसिफिक हो गया, वैल्यूज क्या हो गया, जनरल हो गया, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये वैल्यूज हैं, इन किसी भी वैल्यूज को जब मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में देखने लगू, मतलब ये वैल्यूज व्हेन ऑब्जेक्टिफाइड, ये बोल सकता हूँ है ना, किसी भी वैल्यूज को मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगू, जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा हूँ, अब उसके प्रति मेरे पास नॉलेज क्या है कि ऑनेस्ट व्यक्ति अगर होना है ना, अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे तो समाज का कल्याण होगा, सब अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो क्या होगा भाई, सोसाइटी का प्रोग्रेसिव होगा, सोसाइटी में जो ये मतलब गलत चीजें होती है वो नहीं होगी, ये मेरा नॉलेज है उसके प्रति, तो वैसे मेरा इमोशंस क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी के प्रति एक पॉजिटिव इमोशंस होगा कि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति ऑनेस्ट रहे, मैं भी ऑनेस्ट रहूँ, तो फिर मेरा बिहेवियर भी कैसा रहेगा, उसी हिसाब से मेरा बिहेवियर रहेगा। तो वैल्यूज को जब हम ऑब्जेक्टिफाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एटीट्यूड बन जाता है ना, मतलब ऑब्जेक्टिफाइड का मतलब क्या है, वैल्यूज को हम एज एन ऑब्जेक्ट देखने लगते हैं,
ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, एटीट्यूड हो जाता है। अब एक बात बताओ, मान लो कि चेंज कौन होते हैं, देखो वैल्यूज भी चेंज होते हैं, एटीट्यूड भी चेंज होता है, लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल कौन सा है इन दोनों में से? तो ये जो वैल्यूज जो है, हम इसको ये मान के चलते हैं, देखो वैल्यूज चेंज तो होती हैं, लेकिन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, पर्सन के कंटेक्स्ट में और टाइम के कंटेक्स्ट में, बट मैंने आपको क्या बताया था कि ये लार्जली स्टेबल होती हैं, है ना, रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, स्टेबल होती हैं, है ना। और ये कैसा होता है एटीट्यूड, ये थोड़ा सा, ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये डायनामिक होता है, चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है ना, ये डायनामिक होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया ये आपका, तीसरा हो गया मेरे हिसाब से, पहला ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये, मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, वैल्यूज की, तो वैल्यूज क्या होती है, रिलेटिवली स्टेबल होती है, ठीक है ना, मतलब ये आसानी से चेंज नहीं होती है, लेकिन हाँ चेंज तो ये भी हो जाती है, जैसे कि भाई कुछ मान लो इंटेंस इंसिडेंट हो गए आपकी लाइफ में, जैसे कि अशोक के साथ हो गया था कलिंग के वॉर में, है ना, अंगुलीमाल के साथ हो गया था जब वो भगवान उससे मिलते हैं, बुद्ध से मिलते हैं, ठीक है ना, वैसे ही जब ये कालिदास का एक इंसिडेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो वहां से उनके लाइफ में ये वैल्यू सिस्टम जो होती थी अचानक से चेंज हो जाती है। तो मतलब कुछ इंसिडेंट होते हैं लाइफ में जो क्या करते हैं, जैसे मेरा खुद का, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर के प्रति पहले मेरा बहुत वो था, ठीक है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, ठीक है, बहुत मानता था इनको, बट अभी रिसेंटली कोरोना वायरस में इनका एपेथेटिक बिहेवियर देख करके मेरा इनके प्रति जो वैल्यू सिस्टम था वो चेंज हो गया। अब मतलब मैं इनके लिए जरा सा भी थोड़ा सा वो नहीं रखता हूँ, ठीक है ना, मेरे सामने अगर एक डॉक्टर, मतलब उसको अगर मेरी हेल्प है तो मेरा मन ये नहीं करेगा कि मैं उसकी हेल्प करूँ, समझ में, चाहे भले उसकी वहाँ पे लाइफ का सवाल, ठीक है, मतलब इस कदर मतलब नफरत सी होने लगी, ठीक है। तो ये ऐसा होता है आपके लाइफ में, कई इंसिडेंट हो जाते हैं तो वो आपके वैल्यू सिस्टम को चेंज कर देते हैं, ठीक। ये नोबल प्रोफेशन होने के बाद भी आप कोविड के समय में इनका बिहेवियर अगर आपने देखा हो कई बार हॉस्पिटल्स में, तो आपको समझ में आएगा उन सब चीज़ों से, ठीक। तो ठीक है, इसके साथ साथ इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए कि भाई लूट लूट पाट रहती है हॉस्पिटल में, ठीक है ना, आपका मतलब इनको अब सिर्फ मनी ओरिएंटेड माइंड हो गया, इनका कोई नोबल प्रोफेशन नहीं रह गया, बट अभी भी बहुत से डॉक्टर होंगे, बट खैर छोड़ो ये, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स जरूर हो सकते हैं जो आपके इनको वैल्यू सिस्टम को चेंज कर देते हैं, लेकिन रिलेटिवली हम इनको स्टेबल ही मान के चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। वहीं पर एटीट्यूड क्या है, डायनामिक है, मतलब सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज, और ये जल्दी चेंज हो जाते हैं, है ना। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई वैल्यूज ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और इंटेंस होती हैं, ड्यूरेबल होती है देन एटीट्यूड। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ, वैल्यूज आर, यहाँ पे नेक्स्ट लिख, पांचवा पॉइंट, वैल्यूज आर मोर स्ट्रांग, मोर इंटेंस और मोर ड्यूरेबल। Then attitude, ठीक। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रख लेना, काहे में इन दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है ना, ठीक। तो हमने क्या क्या देख लिया, एटीट्यूड और बिहेवियर में रिलेशन देख लिया, एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर, एटीट्यूड वर्सेस वैल्यूज देख लिया, ठीक, ये दोनों चीज हम लोगों ने देख ली। आप देखते हैं क्या, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे एक ग्राफ समझो, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड बता रहा हूँ आप, जिसमें देखो ग्राफ है, इसको बना लो आप, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एटीट्यूड हो गया, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल एटीट्यूड, ठीक है, ये आपका ले लेते हैं हम, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव इवेल्युएशन, है ना, ये आप किसी भी चीज का नेगेटिव इवेल्युएशन,
ये है आपका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ले लेते हैं, इस साइड हो मतलब आपका क्या है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो रहा है यार, है ना, आपका नेगेटिव एटीट्यूड कैसा रहेगा, एकदम नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। इस तरफ अगर आप रहोगे जितना उतना क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ठीक। इस जोन में क्या है वीक पॉजिटिव है, वीक पॉजिटिव। इस जोन में क्या रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे वीक नेगेटिव है, ठीक। यहाँ पे आपका न्यूट्रल बिहेवियर हो, न्यूट्रल बिहेवियर है, न्यूट्रल एटीट्यूड है, प्लस एम्बिवेलेंट भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर लेस पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन है, मतलब ना तो मेरा पॉजिटिव व्यू है उसके प्रति, ना तो नेगेटिव व्यू है, ठीक है ना, ठीक। तो ये याद रख लेना न्यूट्रल एटीट्यूड होगा। और ऊपर जाते जाओगे आप, देखो ये यहाँ पे जितना नीचे में रहूंगा, है ना, ये नीचे है, देखो ये नीचे है, मतलब यहाँ पे क्या है लो पॉजिटिव इवेल्युएशन है और लो आपका नेगेटिव इवेल्युएशन है, यहाँ पर भी लो ही है, समझो ये लो ही है ना, ये लो लो लो। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो ये वाला पॉइंट हाई हो गया, हाई नेगेटिव और हाई पॉजिटिव है, ठीक है ना, यहाँ पे हाई नेगेटिव हाई पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे करके आप जाते जाओगे तो आपका इवेल्युएशन ऐसा होते जाएगा किसी भी चीज़ को लेकर के, या तो हाई पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाई होगा, नेगेटिव भी हाई होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा लो पॉजिटिव और लो नेगेटिव, ये क्या है आपका इवेल्युएशन है किसी भी चीज को लेकर के, है ना, आपके एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए, ठीक। तो मेन ये है कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए ऐसा होता है, या तो किसी भी चीज के प्रति हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू होगा, या स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा पॉजिटिव वे में, या नेगेटिव वे में, या न्यूट्रल वे में। न्यूट्रल में भी आप देखोगे तो कई बार स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल होता है और कई बार वीक न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग की तरफ जब जाते हैं हम तो ये एम्बिवेलेंट होता है, जहाँ पर हाई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हो जाती, ठीक है ना, कई चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो न्यूट्रल वाले में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड में क्या देखते हैं हम कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, हमारे कॉग्निटिव अफेक्टिव और बिहेवियर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑफन डिसाइड क्या करता है, एक्सटेंट, किस चीज का एक्सटेंट, कि भाई हमारा एटीट्यूड कैसे हमको अफेक्ट करेगा और हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड में क्या होता है, समझ में आ गया ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड में हम ये देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे एक एटीट्यूड में, समझ में आ गया, हमारे एक बिलीफ सिस्टम में। तो अगेन बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, किस चीज से डील करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड डील करता है कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन हमारी एटीट्यूड को शेप करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें ये इंक्लूड होता है कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं हमारे हमारे मतलब एक एटीट्यूड में, मतलब किसमें कॉग्निटिव अफेक्टिव और बिहेवियर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड है, इसमें कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं एक पॉजिटिव या नेगेटिव इवेल्युएशन, सुनना क्या। तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं एक्सटेंट काहे का, कि भाई टू विच एन एटीट्यूड कैन अफेक्ट आवर बिहेवियर, सुनना क्या, मतलब कैसे हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, इस चीज को डिसाइड करता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। उसमें हम देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव इवेल्युएशन है उस चीज के प्रति या नेगेटिव इवेल्युएशन है उस चीज के प्रति, फिर उसके हिसाब से हमारा क्या होगा बिहेवियर अफेक्ट होगा, सुनना क्या। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ये स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, समझा गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड मतलब ये होता है, ठीक, ये अपन ने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, है ना, फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि एटीट्यूड को फॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है ना, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति में एटीट्यूड कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को अब हम देखेंगे क्या एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें अब देखो एटीट्यूड फॉर्मेशन में, यहाँ पे समझना क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये चाइल्ड और ये एडल्ट, ठीक है ना, और इससे यहां से यहां तक जाने के बीच में क्या हो रहा है आपका, देखो टेंडर एज रहेगी, एडोलेसेंट एज आएगी,
फिर एडल्ट आया, एडल्टहुड, देन उसके बाद जाओगे तो ओल्ड एज आ जाएगी, ओल्ड एज आ गया। अब देखना है यहां से, यहां से यहां जा रहे हो आप, तो यहां पे आपका एटीट्यूड क्या होगा, शेप होते जाता है। समझ गए मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि एटीट्यूड इनबॉर्न नहीं होता है ना, नॉट इनबॉर्न, नॉट इनबॉर्न, बट क्या हो गया, एटीट्यूड इज एक्वायर्ड थ्रू आउट लाइफ, है ना। अपनी पूरी लाइफ में हम क्या करते हैं, एटीट्यूड को शेप करते रहते हैं, है ना। तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि भाई एटीट्यूड को क्या किया जाता है, लर्न किया जाता है। समझ गया, इट इज लर्न। और एप्टीट्यूड क्या होता है, इनबॉर्न होता है। एटीट्यूड क्या होता है, लर्न किया जाता है। और लर्न कैसे करते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या होती है, तो बता दिया मैंने आपको, सोशलाइजेशन, है ना। सोशलाइजेशन के थ्रू हमारा एटीट्यूड शेप होता है। क्लियर है, ठीक। तो भाई ये सोशलाइजेशन है जिसके तहत हमारा एटीट्यूड शेप होता है। हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसी हिसाब से हमारा कॉग्निटिव अफेक्ट और बिहेवियर पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है। समझ गए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रॉपर इंटरवेंशन करें तो हम राइट एटीट्यूड इंडिविजुअल में डाल सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे समझना, ये व्यक्ति है ना, ये इसका एटीट्यूड होगा कुछ। इस एटीट्यूड को क्या चेंज किया जा सकता है, हाँ इस एटीट्यूड को शेप किया जाता है, शेप भी किया जा सकता है, इस एटीट्यूड को चेंज भी किया जा सकता है। समझ गए, इस एटीट्यूड को सेव किया जाता, चेंज किया जाता कैसे, थ्रू राइट इंटरवेंशन, थ्रू प्रॉपर इंटरवेंशन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इंटरवेंशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड को क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके तहत हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए जो होता है ये एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एटीट्यूड को कैसे शेप किया जा सकता है और कैसे उसको मतलब वो किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। एक तो इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता है, और दूसरा आपको इस कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता है कि भाई ये वो मतलब सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, कि सोसाइटी में एटीट्यूड चेंज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेथड्स विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, तो देखो सबसे पहला मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक, क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा मेथड होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, अभी सब समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तीसरा होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। चौथा होता है जो आपके यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो होते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्या है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि रिलीजन होता है, रिलीजन होगा, ठीक है। फिर वैल्यू होते हैं, कभी हमारी वैल्यूज हो गई तो, वैल्यू चेंज हुई तो एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। हमारा बिलीफ चेंज हुआ तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, हमारा नॉलेज चेंज हुआ तो हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है कुछ इवेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं आपकी लाइफ में जो आपके वैल्यू सिस्टम को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इवेंट्स, इवेंट्स एंड एक्सीडेंट्स इन लाइफ, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर इसके अलावा सातवां, जैसे कि एनवायरनमेंट कैसा है सोसाइटी का, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे सेवेंथ नंबर, कि भाई सोसाइटी का लेकर के, ठीक है ना, पॉलिटिकल या फिर सोशल बोल लो इसको, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट कैसा है, इसके हिसाब से भी हमारा एटीट्यूड शेप होता है। अब इनको वन बाय वन करके समझते हैं, सबसे सरल है ये वाला, नीचे चालू कर दे। देखो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इनको जो पहले वाले हैं, ठीक है ना,
ये जो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, तो और ये हो गया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गया। इसको मैं रख लेता हूँ एकेडमिक टूल्स में, एकेडमिक टूल्स, ठीक है ना, और ये बाकी सबको मैं रख ले रहा हूँ ये टूल्स में। इसको मैं लिख दे रहा हूँ अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग डिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। अब समझते हैं, देखो इसको बहुत सरल है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया, सोसाइटी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट जैसा होगा उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड शेप होता है। तो यहाँ पे समझते हैं कैसे। जैसे देखो समाज में कास्ट सिस्टम, दहेज प्रथा, ये सब चलेगी तो इस हिसाब से आपका एटीट्यूड होगा, तो आप भी वो चीजें करने लगोगे, है ना। और वैसे ही पॉलिटिकल में जैसे पॉलिटिक्स जो चलती है, जैसे रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स चलती है कि भाई कास्ट की पॉलिटिक्स चलती है, उस हिसाब से भी हमारा फिर एटीट्यूड शेप होने लगता है, ठीक है ना। ये सब तो आप जानते ही हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल से लिंक करो। इकोनॉमिक कंडीशन जैसे मनी ओरिएंटेड, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये सब चीजें ज्यादा, अगर जैसे भोगवाद वगैरह ज्यादा जब दिखाया जाता है, ठीक है ना, कमोडिफिकेशन, ये सब ज्यादा दिखाता है, तो उस हिसाब से भी हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि भाई मनी ओरिएंटेड जो लोग आजकल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां से आप लिंक कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि करप्शन वगैरह अगर सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है, आप फ्रिक्वेंट उन चीजों को आपके बिहेवियर में वो आ रहा है, ठीक है ना, हर दिन आप उससे एनकाउंटर होता है आपका करप्शन से, तो मतलब ये देखो एनवायरनमेंट जो है इसको लेकर के, इसको लेकर के, इन सब को लेकर के कंड्यूसिव नहीं है, तो उस हिसाब से फिर हमारा एटीट्यूड शेप होता है। यहाँ से हमने समझ ली। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ, ये मैंने अभी एग्जाम्पल लेकर के बताया। आप बहुत मानते हो, जैसे कई बार क्या होता है कुछ लोगों को हम बहुत मानते हैं, ठीक है ना, हम फिर जब कभी ऐसे लाइफ में इंसिडेंट होते हैं, जब उनसे हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है, तो सामने वालों का बिहेवियर ऐसा होता है कि भाई ऐसा लगता है कि भाई मैं इसको इतना मानता था और ये व्यक्ति मतलब इतना इसके अंदर ईगो था, ठीक है ना। तो कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनके कारण आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो चेंज होता था। जैसे इसका एग्जाम्पल और देख सकते हो, कुछ इवेंट इवेंट जैसे कि हनुमान जी के साथ हुआ था, जब जामवंत ने उनको बताया था उस चीज के बारे में, ठीक है, अशोक के साथ हुआ था, ठीक है ना, जब वो कलिंग वॉर जीता था, तो फिर उसके बाद उसको ऐसा लगा कि यार ये सब मैंने क्या कर दिया, तो उसने ये सब चीज चेंज कर दी, ठीक है ना, मतलब अपना जो रूल करने का जो नजरिया था वो पूरा चेंज कर दिया सम्राट अशोक ने। तो यहाँ से क्या हो गया, एटीट्यूड उनका चेंज हो गया कि नहीं। रिलीजन रिलीजन शेप करता है कि नहीं, ये तो आपको पता है कि भाई देखो भगवत गीता जैसा बोलती है लोग वैसा फॉलो करते हैं, कुरान जैसा बोलती है वैसा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, बाइबल जैसा बोलती है वैसा लोग फॉलो करते हैं। और ये सब क्या बताती है, सोशल ऑर्डर प्रिजर्व करने को बोलती है, एक हार्मनी बनी रहे सोसाइटी में, एक इंडिविजुअल अपने चीफ गुड को अचीव कर सके, इन सब चीजों से ही तो डील करती है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा, रिलीजन हमारे एटीट्यूड को शेप करती है कि नहीं। जैसे धोखा देना, तो भाई वो अगर आपका रिलीजन ने आपको बोला है कि भाई ये सब नहीं करना है, तो आप भी कभी ये नहीं सोचोगे कि भाई किसी व्यक्ति का ट्रस्ट क्यों तोड़ू मैं, है ना। तो ये सब चीजें रिलीजन होती है। वैल्यूज से मैंने आपको बता दिया, आपकी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती है किसी चीज को लेकर, जैसे ऑनेस्टी है, अगर आप मानते हो ईमानदारी को तो आप का एटीट्यूड वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। बिलीफ नॉलेज, नॉलेज है जैसे कि, नॉलेज में जैसे कि बताया ना मैंने आपको डायबिटीज है आपको, फिर आपको अगर मान लो मीठा खाने का मन है बट फिर भी आप नहीं खाओगे क्योंकि नॉलेज पार्ट आपका डोमिनेट करेगा, है ना, वो मना करेगा आपको, ठीक है ना, कि भाई मत खाओ इन चीजों को, ठीक है। ड्रग्स है, उसमें भी नॉलेज है, लीगल नॉलेज हो सकता है आपको कि भाई ड्रग्स लूंगा मैं तो कानून मतलब इसमें फंस जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी बाद में, प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपकी शेप करती हैं एटीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन। यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन में मैंने क्या बताया, फैमिली होती है, कैसे हमको सिखाती है ना, मम्मी पापा से हम क्या क्या चीजें सीखते हैं वो याद करो। फिर उसके बाद स्कूल, हमने देख लिया है ये सब चीजें, स्कूल से कैसे कोई व्यक्ति शेप करता है अपने एटीट्यूड को, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो ये सब चीजें, ठीक है ना। मीडिया हो सकती है, ठीक है ना, लीडर्स हो सकते हैं, कैसे ये सब चीजें अफेक्ट करते हैं हमारी एटीट्यूड को, है ना, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे हमारे अंदर आती है, वो सब चीजें कहीं में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, ठीक। तो ये थोड़ा सा, ये आपके अदर अदर फैक्टर्स वाले तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, जिसको बोल रहा हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है ना। तो वापस आ जाओ, सबसे पहला क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो कोई भी चीज जब हम उस पर रिपीटेड बिहेवियर शो करते हैं, है ना, तो हमारा एटीट्यूड
क्या होता है, शेप हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ था जिसको पॉलू डॉग्स एक्सपेरिमेंट बोलते थे। एक्चुअली में होता क्या था समझो, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलूस डॉग एक्सपेरिमेंट। इसमें ये होता था कि एक डॉग होता था, एक डॉग था ठीक है ना, ये उसको खाना देते थे और ये रिंग थी ठीक है ना। क्या होता था, जब डॉग को खाना देना होता था ना, तो क्या हुआ, पहले रिंग बजाई जाती थी है ना, ये रिंग बजा दी जाती थी, उसके ठीक थोड़े समय बाद यहाँ पे इसको खाना दे दिया जाता था ठीक है ना, ये इसको खाना दे दिया जाता था। तो डॉग क्या हुआ, ऐसा बहुत समय तक किया गया, एक ऐसा करते गए करते गए, तो क्या हुआ, जब जब भी रिंग बजती तो वो समझ जाता था डॉक्टर की, डॉक्टर बोलो डॉग की, थोड़े समय बाद खाना आने लगेगा, तो वो क्या करते हैं, उसके में सलाइवा आने लगता था ठीक है ना, वो करने लगता था, ललचाने लगता था ठीक है। तो ऐसे क्या होता गया होता गया, फिर एक समय बाद क्या हुआ कि डॉग था और रिंग थी, अब खाना नहीं था, अब सिर्फ रिंग बजा दी जाती थी, अब उसको खाना नहीं दिया जाता था। फिर भी क्या हुआ कि भाई उसके समय में उसके जो डॉग था वो सलाइवा मतलब लालच आने लगा उसको, फिर भी मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि भाई पहले क्या हुआ था, उसको रिंग बजाते थे तो उसके उसको लालच आने लगता था, खाना देते थे, रिंग बजाते थे लालच आने लगता था, खाना देते थे, फिर क्या हुआ था, खाना नहीं दे रहे थे पर रिंग बजा रहे थे, फिर भी वो लालच हो रहा था। मतलब क्या होता था, उसने क्या किया था, एक एटीट्यूड अपने सेव कर लिया था रिंग के प्रति कि भाई जब भी रिंग होगा तो मेरे को क्या होगा, खाना मिलेगा। समझा गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग में, इसमें ये होता है व्हेन देयर इज रिपीटेड बिहेवियर है ना, तब क्या होगा, हमारे वो क्या करेगा, हमारे एटीट्यूड को डेलिबरेट या इनडेलिबरेट क्या करेगा, वो सेव करने लगता है ना। तो ये एक टेक्निक है जिसके तहत एटीट्यूड को क्या किया जाता है, लर्न किया जाता है ना। वैसे ही अगर हम चाइल्ड को अगर हम प्रॉपर उसको मतलब शेप करें है ना, चाइल्ड की अगर प्रॉपर वो मतलब जो भी लालन पोषण होता है उसमें अगर हम कुछ चीजों को अगर रिपीटेड करेंगे तो उसके हिसाब से उसका बिहेवियर भी शेप होगा। समझना क्या, जैसे कि अगर मान लो बच्चा है, बच्चे में अगर हम उसको रिपीटेडनेस दिखा रहे हैं किस चीज को लेकर के, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट को लेकर के है ना, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट को लेकर के अगर उसमें दिखाएंगे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन उसको रिपीटेडनेस बिहेवियर दिखा रहे हैं उसको, तो क्या होगा, बच्चे भी इनहेरिट कर देगा ये डिस्क्रिमिनेशन की जो टेंडेंसी है उसको, ठीक है ना। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि क्लासिकल कंडीशन में क्या होता है, जब हम किसी चीज को बार 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 रिपीट करते हैं तो भाई उससे क्या होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो शेप होने लगता है। ये पॉलूस डॉग एक्सपेरिमेंट याद रख लेना, उसी से कनेक्ट करो आप चाइल्ड की रियरिंग में आप रिपीटेडनेस बिहेवियर शो करोगे। अगर चाइल्ड को आप अच्छी अच्छी बातें घर में ही दिखाओगे शुरू से ही कि भाई आप वुमेन की रिस्पेक्ट करते हो, डिग्निटी, आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते, तो वो इन चीज़ों को भी समझेगा। लेकिन अब वो आप खुद ही देख रहा है बार बार अपने घर में, तो इस हिसाब से भी फिर क्या होगा, वो इन चीज़ों को एक्वायर करता है और फिर उसको अपने में इनहेरिट करता है। इसी के साथ साथ अगर अच्छी रेयरिंग नहीं होती तो प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग आता है बच्चे में है ना, तो जो कि गुड बिहेवियर के लिए अच्छा नहीं होता। समझा क्या, तो ये पहला हो जाता है आपका कौन सा, जिसको हम बोलते हैं कौन सा था, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका क्लासिकल कंडीशन, कहीं सी चीज से डील करता है, रिपीटेड बिहेवियर से, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किस चीज से डील करता है, डील करता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब इसमें क्या होता है समझो, देखो हमारा बिहेवियर जैसा होगा उसके हिसाब से, जैसे एक बच्चा है उसका क्या बिहेवियर था है ना, कि भाई सामने मेहमान आए और उसने गाली देना चालू कर दिया, ये उसका बिहेवियर, तो उस हिसाब से आप उस बच्चे को रिवॉर्ड करोगे, पनिश करोगे, उस बच्चे को पनिश करेंगे। तो चिल्ड्रन क्या होता है, अपने बिहेवियर में जब वो थ्रू आउट अपनी जर्नी क्या करते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई हम क्या करेंगे, उनको रिवॉर्ड और पनिश करते रहते हैं उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अगर वो फेवरेबल बिहेवियर शो करते हैं तो हम उनको रिवॉर्ड करते हैं है ना, रिवॉर्ड करते हैं, और अगर वो इनफेवरेबल बिहेवियर शो करते हैं मतलब जो नॉन डिजायरेबल है ना, हम जो नहीं चाहते कि गाली गलौज करना, दूसरों का सम्मान नहीं करना, चिल्लाना दूसरों पे, बड़ों पे का आदर नहीं करना, ये सब चीज़ों के कारण हम उनको पनिश करते हैं शुरू से ही बच्चों को, तो उसके कारण क्या होगा, वो बच्चा ये सीखेगा कि भाई हाँ मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए मेरे को ऐसा नहीं करना है। तो मतलब वो अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा, समझ में आ रहा है, जब वो बिहेवियर में चेंज लाएगा तो उसका एटीट्यूड भी तो शेप होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों में राइट वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए। समझ में आ गया कि भाई बताया ना कि भाई
चाइल्ड को क्या होता है कि भाई हमको शुरू वो तो गीली मिट्टी के समान होते हैं, उनको कैसे भी करके हम मोल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, सही समय पर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्या देना है। रिवॉर्ड हो सकता है कि भाई रिवॉर्ड मतलब ये नहीं कि भाई तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको मैं ये मोबाइल ला के दूंगा, मतलब वो इमोशंस हो सकते हैं कि भाई आप उनको प्यार दे रहे हो, समझना, का वो मटेरियल भी हो सकते हैं कि जैसे कि भाई जो आप चाहते हो कि भाई चॉकलेट मिल जाए, साइकिल मिल जाए, कुछ भी चीज़ है। बट मेन क्या है, इसका मेन होता है कि भाई एक सम्मान मिलेगा आपको, पेरेंट्स से एक प्यार मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेगी, समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या होता है, फिर बच्चा उस हिसाब से सीख जाता है कि भाई मेरे को क्या चीज़ सही करना है और क्या चीज़ गलत करना है ना। उसका एटीट्यूड भी उस हिसाब से चेंज सेफ होता है ना। भाई अपनी सिस्टर के साथ नहीं लड़ेगा, वो अपनी बड़ी सिस्टर को गाली नहीं देगा, अपनी सिस्टर के साथ वो रिस्पेक्ट करेगा। तो ये क्यों, क्योंकि उसको अपने फैमिली का प्यार मिलेगा, मतलब उसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। और वो अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको पनिशमेंट मिलता है, ठीक है ना। वो सब चीजें आप समझ गए, ठीक है ना। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या होता है, बहुत एसेंशियल हो जाते हैं राइट वैल्यूज को, राइट एटीट्यूड को इनकलकेट करने में, है ना। यहाँ पे क्या होता है, राइट वैल्यूज को इनकलकेट करना, राइट एटीट्यूड को फॉर्म करना, प्लस डिस्करेज करना रॉन्ग एटीट्यूड को, है ना। राइट एटीट्यूड जैसे कि ड्यूटीफुलनेस आना, रेस्पॉन्सिबिलिटी आना, हार्डवर्क आना, रैशनल थिंकिंग आना, साइंटिफिक टेम्पर आना, लिबरल वैल्यूज होना आपके अंदर, ठीक है ना। कैसे एक सोसाइटी में जीना चाहिए ये सब चीजें सीखना, है ना, ये सब आ जाएगी राइट एटीट्यूड में। रॉन्ग एटीट्यूड में मतलब जैसे कि इम्पेशेंट हो जाना, हॉस्टाइल हो जाना, वॉयलेंट हो जाना, प्रिजुडाइज होना, प्रिजुडाइज बिहेवियर होना आपका, ठीक है ना, झूठ बोलना आपका, ये सबको क्या करना है, ये रॉन्ग एटीट्यूड है। तो राइट एटीट्यूड जो वाला मैंने आपको बताया उसको एनकरेज करना, और ये रॉन्ग प्रैक्टिस जो है उसको डिस्करेज करना। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है गुड वर्क कल्चर के लिए, समझना कि भाई जैसे कि हमारे यहाँ पे चलता है, नहीं हमारे यहाँ चलता है कंसेप्ट है, मतलब कोई भी चीज हो अरे चलता है, ठीक है ना। बच्चा गाली दे रहा घर में, अरे चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज फिर बाद में क्या हो रहा है, बाद में जो आप जब मतलब आपकी एज बढ़ती जाएगी तो फिर वो एक अच्छा वर्क कल्चर नहीं देने वाला है फ्यूचर में। वो कहीं ऑफिस में भी जाएगा तो फिर यही सब चीजें करेगा, समझ में क्या। तो मतलब देखो बच्चे बिगड़ते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा दोष जो होता है माँ बाप का होता है, ठीक है ना। वो जो इनका जो कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड होता है ना, चलता है वाला, ये उनको बिगाड़ता है, समझ में क्या। बच्चा उधम कर रहा है, बच्चा बदमाश है, वो उससे भी ज्यादा गंदी बात यह है कि भाई जो माँ बाप होते हैं उसको देख करके वो खुश होते हैं कि भाई मेरा बच्चा ऐसा है। तो मतलब गलती बच्चे की कम है और माँ बाप की ज्यादा है, समझ में क्या। तो ऐसे लोगों को बोला जा रहा है कि भाई क्या करना चाहिए आपको, प्रॉपर डिसिप्लिन बच्चों में और राइट एटीट्यूड को शेप करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, समझ में, नहीं तो उसका पूरा दोष किस पे जाता है, माँ बाप पे ही जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, है ना। थर्ड लास्ट वाला क्या है आपका, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या आ जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब क्या होता है कि भाई इसको हम सोशल लर्निंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग मतलब क्या है ये, इसका मतलब ये है कि भाई बच्चा देखो एटीट्यूड क्या होता है, सीखने से भी आता है ना। रोल मॉडलिंग मैंने बताया था, लीडर्स को देखते हैं, है ना, टीचर्स को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, उनसे हम क्या चीज सीखते हैं, हम उनसे जो सोशल सोसाइटी में जो चीजें एग्जिस्ट होती है, जो चलती है, वो हम सीखते हैं, है ना। अगर पिता माँ को मार रहा है तो फिर वो आप सीख रहे हो उससे, है ना। लीडर्स की गुड क्वालिटीज को देखते हो, रोल मॉडल बनाते हो अपने, है ना, कि भाई आप रोल मॉडलिंग जो मैंने आपको पहले भी समझाया था लीडर्स का क्या रोल होता है ना। तो वहां से क्या करते हैं, हम जो उनको ऑब्जर्व करते हैं और उस हिसाब से फिर हम सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। इसको हम शक्तिमान टाइप बिहेवियर भी बोलते हैं। शक्तिमान टाइप बिहेवियर मतलब नहीं कि शक्तिमान को देख करके सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो भाई जैसे कि फैशन हो, खाने का तरीका हो, लाइफस्टाइल हो, स्मोकिंग होती है, ये कहाँ से सीखते हैं हम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही होता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का ही एग्जाम्पल होता है, समझ में। तो भाई यहाँ पे इसीलिए लाइफ में सही रोल मॉडल बहुत जरूरी होना हो जाता है, समझ में, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर को बाद में अल्टीमेटली शेप करने वाला है, समझ में। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आप तैयारी करते हो तो आपको ये जो डेमो देने आते हैं, ये जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है ना, जैसे कि भाई हम जब देखते हैं कि भाई इतने लोग जो एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर हम उनको रोल मॉडल मानते हैं, और फिर जैसा वो बोलते हैं उनके तरीके से हम आंसर राइटिंग करते हैं, उनके तरीके से हम बाकी चीजें करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है, समझना क्या। तो इन ये सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड को शेप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मेथड्स है जिससे हम फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड करते हैं, समझना क्या। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे होता है, ऐसे होता है। एक चीज ये याद रख लेना कि जब हम आगे लाइफ में बढ़ते हैं, है ना, जब ये तो यहाँ पर एटीट्यूड जो होता है ना,
एडल्ट तक, यहाँ तक, इसके पहले तक एटीट्यूड शेप हो जाता है, समझ में आ गया, जो जैसा शेप होना चाहिए वैसा शेप हो जाता है। इसके बाद एडल्ट के बाद, एडल्ट में जब आ गए, इसके बाद एटीट्यूड चेंज करना काफी दिक्कत में आ जाती है। मैंने बोला कि डायनामिक तो है, चेंज तो हो जाएगी, बट जो यहाँ पे काफी शेप ले लेती है वो अपना, इसके बाद उसका, यहाँ पे बच्चों को आज सही बोलोगे कल बोलोगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर, तो कर लेगा, वो एटीट्यूड में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, जैसा उसको बताओगे वैसा उसका एटीट्यूड शेप हो जाएगा। लेकिन एडल्टहुड तक आते आते उसका इतना कॉन्क्रीटाइज हो जाता है, इसके बाद चाहोगे अगर आप एटीट्यूड चेंज करना तो काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये जब एटीट्यूड चेंज हम पढ़ेंगे, ये सब चीजें मैं फिर आपको बताऊंगा, तो वहां पे आप और भी चीजें देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड वाला टॉपिक